साल 1965, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में भारत के एक जवान को 9 गोलियां लगती हैं। एक गोली उनके आंख के पास से निकलती है जिससे उनकी एक आंख चली जाती है। एक गोली उनके स्पाइन में लगती है जो आज तक उनके स्पाइन में है। पूरा लोअर बॉडी पार्ट पैरालाइज हो चुका था। कोई भी आम इंसान होता तो पूरी लाइफ उसको हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता, लेकिन ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं, बहुत खास इंसान की है। वो ना सिर्फ हॉस्पिटल से निकले बल्कि उन्होंने भारत को ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल भी जिताया। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत को पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल जिताने वाले पद्मश्री श्री मुरलीकांत पेटिकर के बारे में। अचानक लड़ाई चल हो गया, वो लड़ाई में मुझे 9 गोली लगा, जो मेरा ये अभी आंख दूसरा चेंज है और स्पाइन में एक गोली है। मुरलीकांत पेटिकर का जन्म 1 नवंबर 1944 को महाराष्ट्र के सांगली के इस्लामपुर में हुआ था। सांगली एक ऐसा एरिया है जहां पे मेन स्पोर्ट जो है वो रेसलिंग है, तो मुरलीकांत पेटिकर भी रेसलिंग खेलते थे। उनके बचपन का एक किस्सा है। कहा जाता है कि बचपन में एक बार मुरलीकांत पेटिकर ने उस गाँव के मुखिया के बेटे को रेसलिंग में पटकनी दे दी थी, जिसे मुखिया के चाहने वाले मुरलीकांत को मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं और मुरलीकांत भागते भागते एक बस पकड़ के पुणे पहुँच जाते हैं। अब पुणे में आके उनकी आर्मी की जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पे वो आर्मी की भर्ती देखते हैं, सिलेक्ट होते हैं और आर्मी को ज्वाइन करते हैं एज अ क्राफ्टमैन। आर्मी को ज्वाइन करने के बाद मुरलीकांत पेटिकर काफ़ी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करते हैं। उस टाइम पर उनका जो फेवरेट गेम था वो था हॉकी, लेकिन उनके कोच उनको सजेस्ट करते हैं कि वो ऐसा गेम चूज़ करें जिसमें टीम परफॉर्मेंस ना देखी जाए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी जाए। तो उनकी सजेशन को मानते हुए मुरलीकांत पेटिकर बॉक्सिंग खेलना स्टार्ट करते हैं और बॉक्सिंग में ही आर्मी को रिप्रेजेंट करते हुए जापान टोक्यो में 1964 में मुरलीकांत पेटिकर एक कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतते हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद मुरलीकांत पेटिकर जब वापस आते हैं तो उनके सुपीरियर उनसे पूछते हैं वो क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो कश्मीर घूमना चाहते हैं, तो उनके सीनियर उनकी ट्रांसफ़र जम्मू एंड कश्मीर में कर देते हैं। साल 1965 में इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध के हालात बन जाते हैं। एक दिन मुरलीकांत पेटिकर अपने कैंप के बाहर बैठे चाय पी रहे साथियों के साथ में बैठे होते हैं। अचानक से पाकिस्तान की तरफ से एरियल अटैक हो जाता है। पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट गोलियां चलाना शुरू कर देता है। मुरलीकांत पेटिकर को इतना समय नहीं मिल पाता कि वो गोलियों से बचने के लिए अपने कैंप तक पहुँच पाए। मुरलीकांत पेटिकर को 9 गोलियाँ लगती है। एक गोली उनके आंख में लगती है जिससे उनकी आंख चली जाती है। एक गोली उनके स्पाइन में लगती है जो अभी तक उनके स्पाइन में है। मुरलीकांत पेटिकर का जो कैंप था वो एक ऊंचाई पे था। गोलियां लगने से वो अपना होश खो देते हैं और उस ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और नीचे एक आर्मी की गाड़ी उनके ऊपर से निकल जाती है, जिससे उनका पूरा लोअर बॉडी पार्ट पैरालाइज हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है। कुछ देर बाद उनको महाराष्ट्र के मुंबई में INHS अश्विनी हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि वो स्विमिंग स्टार्ट करें ताकि उनका जो लोअर बॉडी पार्ट है उसकी एक्सरसाइज हो सके। अब हॉस्पिटल के पास में ही स्विमिंग पूल था, वहाँ पे नेशनल टीम भी प्रैक्टिस के लिए आती थी। उनको देखकर मुरलीकांत पेटिकर भी मन बना लेते हैं कि वो आने वाले पैरालंपिक में भारत को स्विमिंग में रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम पैरालंपिक की बात कर लेते हैं। पैरालंपिक, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि पैरालंपिक का मतलब है जो पैरालाइज हो चुके हैं उनके ओलंपिक, बल्कि ऐसा नहीं है। पैरालंपिक, पैरा और ओलंपिक दो वर्ड से मिलके बना है। पैरा का मतलब पैरलल, तो जो ओलंपिक के पैरलल गेम्स चलेंगी उसको बोला जाता है पैरालंपिक। इसमें जितने भी डिसेबिलिटीज़ के लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहली पैरालंपिक गेम्स साल 1960 में रोम में शुरू हुई थी। इस साल 23 कंट्री के 400 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया था। भारत की तरफ से इस साल कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं थी। भारत ने पहली बार 1968 में इसराइल तेल अवीव में पार्टिसिपेशन लिया था और भारत की तरफ से 10 पार्टिसिपेंट थे जिसमें मुरलीकांत पेटिकर भी थे, लेकिन इस साल भारत कोई भी मेडल नहीं जीत पाया था। साल 1970 में स्कॉटलैंड एडिनबर्ग में 3rd कॉमनवेल्थ पैराप्लेजिक गेम ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिसमें मुरलीकांत पेटिकर 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्विमिंग में गोल्ड, जेवलिन थ्रो में सिल्वर और शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं। कॉमनवेल्थ में अपनी परफॉर्मेंस को देख के मुरलीकांत पेटिकर को इतना तो आइडिया हो चुका था कि आने वाले पैरालंपिक में वो भारत को मेडल दिलाने वाले हैं।
स्विमिंग की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक फ्री स्टाइल स्विमिंग होती है जिसमें मुरलीकांत पेटकर गोल्ड जीतते हैं। इसके अलावा बटरफ्लाई स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, मेडली एंड रिले, ये कुछ अलग कैटेगरीज हैं जो स्विमिंग में खेली जाती हैं पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स गेम के अंदर। साल 1972, इस बार की पैरालंपिक गेम्स जर्मनी के हेडलबर्ग शहर में ऑर्गेनाइज की जा रही थी। रिकॉर्ड टाइमिंग 37.33 सेकंड के साथ मुरलीकांत पेटकर 50 मीटर्स फ्री स्टाइल इवेंट में भारत को पहला गोल्ड दिलाते हैं। कहते हैं हर सक्सेसफुल इंसान के साथ में कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो उसकी सक्सेस में उसका साथ देता है। मुरलीकांत पेटकर भी अपनी जीत का जो क्रेडिट है वो देते हैं एक्स इंडियन क्रिकेटर विजय मर्चेंट को। उस टाइम विजय मर्चेंट का एक एनजीओ होता था। इस एनजीओ ने मुरलीकांत पेटकर को जर्मनी पैरालंपिक में पार्टिसिपेशन लेने के लिए स्पॉन्सर किया था। मुरलीकांत पेटकर की जर्मनी जाने के टिकट का एक्सपेंस भी इसी एनजीओ ने उठाया था। इसके बाद मुरलीकांत पेटकर टेल्को कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और वहीं पे अपनी सर्विस कंप्लीट करते हैं। इतनी अचीवमेंट और स्ट्रगल के बाद मुरलीकांत पेटकर को कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट से भी नाराजगी रही कि वो कहते हैं कि कभी भी सरकार ने उनकी इस उपलब्धि को रिकॉग्निशन नहीं दिया और ना ही खुद कभी उनको अप्रोच किया। और सबसे बुरा क्या लगता है, अभी आपने, मैंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, अभी आप दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, तो मैं, मेरे को अर्जुन अवार्ड देखो, मैं भीख मांगने का गया नहीं। अभी वो गवर्नमेंट का क्या रूल है कि तुम एप्लीकेशन भरो, तुम ये सब लिख के दो, तुम ट्रीटी दे दो, पुलिस वेरिफिकेशन, अरे वो क्या जरूरत है। मैंने गोल्ड मेडल लिया है ना ओलंपिक के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, सब कुछ है, और आपको सब मालूम है, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, हम लोग को कुछ देता नहीं, गवर्नमेंट ने, मैं आकर मेरे को पूछना चाहिए ना, मैं क्यों जाना, इसके लिए मैं कभी नहीं गया। हालांकि साल 2018 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और 2018 के बाद ही काफ़ी ज़्यादातर लोगों को मुरलीकांत पेटकर की स्ट्रगल और सक्सेस के बारे में पता चलता है। सरकार को भी चाहिए हमारे रियल लाइफ हीरो जैसे कि मुरलीकांत पेटकर की लाइफ के बारे में अवेयरनेस दी जाए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर में सेमिनार्स हों, प्लेज हों, स्टे शोज हों, ताकि इनकी लाइफ से मोटिवेशन लेके ये जो नया वर्ड हमारी लाइफ में आया है डिप्रेशन, इसको दूर किया जा सके। अभी मुरलीकांत पेटकर की लाइफ के ऊपर एक फिल्म भी बनने जा रही है। हम कहीं ना कहीं मूवी इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मूवी इंडस्ट्री ही है जो हमारे रियल हीरो लाइक मिल्खा सिंह, सैम बहादुर और अब मुरलीकांत पेटकर के बारे में हमको बताती है क्या उनका स्ट्रगल था और क्या उनकी अचीवमेंट थी। हालांकि ये मूवीज़ कम बनती हैं, उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, क्योंकि जैसे एनिमल और सैम बहादुर दोनों फिल्में एक दिन आती हैं तो हम सबसे ज़्यादा सपोर्ट एनिमल को करते हैं, सैम बहादुर को नहीं करते। एंटरटेनमेंट के नाम पे आप कुछ भी देख सकते हो, ये आपकी विश है, लेकिन कोई ऐसी फिल्म जो एक ऐसे करेक्टर के ऊपर बनी हो जिसका नाम हमारे देश के नाम से जुड़ा हो, हमको उसको सपोर्ट जरूर करना चाहिए।